हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी बाइट्स पे आपका स्वागत है। और जल्दी से बनाते हैं मज़ेदार ब्रेड का हलवा। इसे हम कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। इसके लिए लेंगे हम ये 7-8 ब्रेड। ये ब्रेड हमने ली हुई हैं और जो ये इनका साइड पार्ट है हम इसे हटा देंगे। हम चाहें तो हम इसे रख भी सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं इसे नाइफ की हेल्प से इसके सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स को हटा देती हूँ। ये हमने सारी ब्रेड्स के पार्ट्स को हटा दिया है और अब हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। सारी ब्रेड्स के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और ब्रेड के टुकड़े करने के बाद हम सारे के सारे मिक्सी में पीस लेंगे। ब्रेड्स के पीस को ग्राइंड करके ही हम इसका हलवा बनाएंगे, क्योंकि जो इसको ग्राइंड करने के बाद ये अच्छे से भुन जाएगी। देखिए, अब हमारी ब्रेड पिस चुकी है और हमें इसे इस तरह बारीक कर लेना है। अब एक कढ़ाई को हम गर्म करेंगे और उसके अंदर हम ये सारा का सारा ब्रेड का चूरा डाल लेंगे। ब्रेड का चूरा डालने के बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी हम इसमें जैसे हमारे स्पून अच्छे से हल्के हल्के चल जाए उस हिसाब से ले सकते हैं। इसमें कम से कम 4-5 बड़े स्पून हमें घी लेंगे। देखिए, जो हमारी कड़छी है वो हमारी इस तरह इसके ब्रेड के अंदर चलनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके भी इसके अंदर घी ऐड कर सकते हैं। हमें ब्रेड को पूरा ब्राउन होने तक भूनना है और हम इसे लाइट ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन भूनेंगे। हमारी ब्रेड अच्छे से ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगी तब तक हम इसे भूनेंगे। देखिए, ये काफ़ी भुन चुका है। जब हमारी ब्रेड अच्छे से भुन जाएगी तो ये साइड से घी छोड़ना शुरू कर देगी कढ़ाई के अंदर, इसलिए हम इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं। और अब इस भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये मेरे चॉप्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स। इन्हें भी हम थोड़ी देर तक इसके साथ भूनेंगे ताकि ये थोड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। क्रिस्पी होने से जो ब्रेड के हलवे के अंदर जो हम इसे खाएंगे तो इनका टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए हम इसे थोड़ी देर ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसको भूनेंगे। देखिए, ये काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं और हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। मैंने करीब 60 ग्राम के करीब यहाँ चीनी ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा इसकी मात्रा को कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। ये करीब 250 ग्राम दूध है। इस दूध के साथ हम इसे अच्छे से चलाते चलाते जब तक ये पूरे हलवे के फॉर्म में नहीं आ जाता और घी छोड़ना शुरू नहीं करता तब तक हम सिम को ऑन रखेंगे। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमने जो इसके अंदर दूध ऐड करा है उस दूध से इसका हलवे का स्वाद जो है बहुत बढ़ जाएगा। हम इसकी जगह पानी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप यदि नहीं चाहें तो दूध स्किप करके आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमारा ब्रेड का हलवा लगभग तैयार हो चुका है, ये देखिए बन गया है। आप इस हलवे का टेस्ट लेके देखिए, ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ब्रेड का हलवा कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।